हेलो स्टूडेंट, एज यू नो दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि दोनों एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस हर बार ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है स्टूडेंट। एक तो वो जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी दे रखा, हेल्प दे रखा है, ये हाँ हेल्प है, यहाँ पर ओपन द गेट है, डू नॉट ईट है, और ये स्टूडेंट वर्क प्रॉपरली है। ठीक है, यहाँ हमने वर्ब से स्टार्ट किया जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसके बाद इस कराने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट कराएंगे आपको अभी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेट से और लेटस वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर वन। ठीक है, यहाँ दे रहा है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय प्लीज़ हेल्प मी। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट के सेट टू को हम किस तरह चेंज करेंगे। ठीक है, सेट टू को भाव के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए किस तरीके से। जैसे यहाँ दिया हुआ है द ओल्ड मैन एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, अब सेट टू को हमें चेंज करना है। ओल्ड मैन कह रहा है बॉय से कि प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, जहाँ भी वर्ड प्लीज़ आ जाए, ध्यान दीजिए, जहाँ प्लीज़ दिया हो तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और प्लीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ नहीं लिखना है हमें, तो सेट टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में, requested रिक्वेस्टेड द बॉय। अब क्या करना है, कंजंक्शन टू का यूज़ करेंगे। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन टू लगाएंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर प्लीज़ हटा देंगे, कंजंक्शन यूज़ करेंगे हेल्प। ठीक है, अब मी को चेंज करेंगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ओल्ड मैन है, तो यूज़ करेंगे यहाँ पर हिम, HIM, हिम। क्लियर हुआ, एक बार और समझ दीजिए इस सेंटेंस को। ठीक है, भाव के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखिए एक ओल्ड मैन है वो छोटे से बच्चे से कह रहा है कि आप प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ सेंस जो आ रहा है सेट टू का वो रिक्वेस्टेड में आ रहा है कि वो ओल्ड मैन है, वो बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो ये होता है भाव के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट यूज़ किया है। यहाँ दे रखा है द सेंट सेट टू द पीपल्स हेल्प द नीडी। अब यहाँ पर एक सेंट है वो अपने जो उनके अनुयायी हैं, उनके स्टूडेंट हैं, वो उनसे कह रहे हैं गरीबों की मदद करो। अच्छा, तो यहाँ पर हम सेट टू किस में चेंज करेंगे। ठीक है, द सेंट, अब जो सेंट लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ये ऑर्डर नहीं देते हैं, ये करते हैं हमें सजेस्ट। ठीक है, ये सजेस्ट करते हैं SUGGESTED सजेस्टेड द pupils to help the needy। क्लियर हुआ आपको, ये समझ लीजिए आप, द सेंट जो लोग जो होते हैं, जितने संत लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें सजेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है हेल्प द नीडी, किससे कह रहा है वो, अपने pupils से कह रहा है कि लोगों की मदद करो, तो ये सजेस्ट कर रहे हैं उनको अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर आते हैं द मास्टर सेट टू हिज सर्वेंट ओपन द गेट। इसको हम किस तरह करेंगे, ध्यान दीजिए, एक मास्टर है, मास्टर बोलते हैं मालिक को और सर्वेंट बोलते हैं, आप जानते हैं, नौकर को बोलते हैं। तो मालिक अपने नौकर से कह रहा है कि गेट को खोलो, तो ऑर्डर है। मास्टर जो मालिक लोग होते हैं वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेंस क्या आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा था, हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब टू का यूज करेंगे कंजंक्शन ओपन द गेट। क्लियर हुआ आपको, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, जो हमने वहाँ पर ये हेडिंग लिखे हैं, कुछ तीन हेडिंग लिखे हुए हैं। ये जो वर्ब वाले जो होते हैं, जो हमारा इंपरेटिव होता है, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए ये तीन पॉइंट ही काफ़ी हैं आपको आसानी से सोल्व कराने के लिए। ठीक है, आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दरकार है नंबर फोर, द डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट डू नॉट ईट टू मच। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर हैं, ध्यान दीजिए डॉक्टर हैं और यहाँ पर पेशेंट है, यानी कि उसका रोगी है, मरीज है। तो डॉक्टर जो होते हैं मरीजों को अगर कुछ सलाह वगैरह देते हैं तो उसको एडवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो लाएंगे द डॉक्टर, अब सेट टू को चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में, एडवाइज, क्योंकि यहाँ सेट टू जो है पास्ट टेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर एडवाइज्ड करा है हमने। ठीक है, हिज पेशेंट, PATIENT
पेशेंट। अब यहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे, नहीं हम यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको समझना है जहाँ पर डू नॉट लगा हुआ होता है उसे हम किस तरह चेंज करेंगे। तो पहले आप नॉट लिखें, ठीक है, डू कहाँ गया इसको भूल जाइए अब आप, ठीक है। नॉट के बाद आप टू लगाइए, टू लगा दिया नॉट हो गया हमारा। अब टू ईट कर देंगे, टू ईट टू मच, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको नहीं लिखना है हमें, पैसे हमने जब कंजंक्शन से पहले नोट लगा देने अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा, इस तरीके से ये आपका इजी वे में बहुत आसानी से इनडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक टाइप से और बना सकते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उसको हम टू टाइप से बना सकते हैं। आपको समझते हैं किस तरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर, अब हम यहाँ पर एडवाइस नहीं लिखेंगे, एडवाइस नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना किया, ठीक है। His patient, क्या मना किया, अब टू लगाएंगे, टू ईट टू मच, मना किया कि ज़्यादा खाना नहीं खाए, यहीं पर हो गया, मना किया है अधिक खाना खाने से, ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ फॉरबेड से इसको आप नेगेटिव सेंटेंस को टू टाइप से आसानी के साथ आप बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सेंटेंस नंबर फाइव को इनडायरेक्ट, देखिए, द मदर सेड वर्क प्रॉपरली। अच्छा, माँ कह रही है बच्चों से कि काम जो है, माँ मदर सेड, सिर्फ सेड कहा है तो बनी के बच्चे वगैरह को दिए हुए नहीं है, तो माँ कह रही है कि वर्क प्रॉपरली, तो मदर जो कहेंगी वो अपने बच्चों से ही कहेंगे, इसलिए यहाँ मदर का यूज़ किया गया है। तो वो कह रही है कि वर्क प्रॉपरली यानी काम सही से करो, तो ये माँ जो होती है वो एडवाइस देती है, सजेस्ट कर सकती है, लेकिन माँ ऑर्डर के सेंस में बहुत कम आता है और ना ये ऑर्डर का वर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे द मदर Advised to work properly, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से द मदर एडवाइज टू वर्क प्रॉपरली, देख ध्यान दीजिए, द मदर सेड हो या सेड टू हो दोनों को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये कंजंक्शन लगाया हमने टू का, फिर वर्क प्रॉपरली, इस बेस पर हमारे थ्री पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो सेंटेंस लेट वाले होते हैं और लेटस वाले होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं उनको। सो स्टूडेंट चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकेंड टाइप को, जिसमें हमने लिए हैं लेट अस वाले सेंटेंस, और जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं बट उनके साथ में अस नहीं होता, कोई अदर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मी आ गया, द ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर द बॉय आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर लेट वाले सेंटेंस को अलग तरह से बनाया जाता है और लेट वाले सेंटेंस को अलग तरीके से। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिए हैं जो लेट अस से स्टार्ट होते हैं, इसको हम किस तरह चेंज करेंगे जानते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर सैड, ठीक है, सेंटेंस नंबर वन सैड दिया हुआ है, तो सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, सिर्फ सैड को, ठीक है। अगर सैड दिया हुआ है, ओनली सैड दिया हुआ है तो करेंगे चेंज प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, अगर सेट टू दिया हुआ है तो किसमें चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिए सेट टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। सेट को खाली प्रपोज्ड और सजेस्टेड में, बट सेट टू को प्रपोज्ड टू में और सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, इसको आप ध्यान रखें, जहाँ पर टू लगा हुआ है वहाँ टू हम लगाएंगे। अच्छा, इन दोनों के लिए कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिर्फ ये जो कंजंक्शन हमने लिखा है यहाँ पर, ये सिर्फ लेटस के लिए बताया जा रहा है, अभी सिर्फ लेटस वाले सेंटेंस किस तरह बनाए जाएंगे। चलिए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सैड है तो खाली हम यहाँ प्रपोज्ड लिख देते हैं, प्रपोज्ड, ठीक है। अब दैट लगा दिया, प्रपोज्ड, अब लेटस आता है, ठीक है, यहाँ लेता हूँ मैं, लेट अस को, थोड़ा नीचे, लेट अस को, वी शुड या फिर
दे शुड में चेंज करेंगे, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान रखें। लेट अस को वी शुड में दे शुड में तो हम लिखते हैं स्पीक अकॉर्डिंग, यहां पर जाएंगे तो दे शुड, ठीक है। दे शुड प्ले CRICKET, तो ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से जो हमने है पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, फोर पॉइंट हैं, ये फोर पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट है और आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं एक बार रीड करके समझ कर, ठीक है। तो अब आते हैं ही सेट टू को, ध्यान रखना है प्रपोज टू में चेंज करना है, PROPOSED प्रपोज्ड टू सीता। अब यहाँ पर फिर कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। लेट अस है तो दे शुड में इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं और आगे की कंडीशन जो दी हुई है वर्क हमें वो हम ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो ही प्रपोज टू सीता दैट दे शुड वेट फॉर रिजल्ट, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर थ्री। यहाँ पर दे रखा है ही सेड दैट ही सेड द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर। तो इसको हम किस तरह करेंगे, अब ध्यान दीजिए ये हमारे दो सेंटेंस बनाए थे हमने, ये थे लेटस वाले सेंटेंस। अब लेट वाले सेंटेंस को हम किस तरह करेंगे, तो लेट वाले सेंटेंस की कंडीशन जो होती है वो थोड़ी इससे चेंज होती है। अब यहाँ पर हम सेट टू को अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, ठीक है। किस जैसे द स्टूडेंट सेट टू द टीचर लेट मी गो सर, तो यहाँ पर फिर को सजेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे हम। यहाँ पर क्या कंडीशंस आ रही है, स्टूडेंट टीचर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर सेड टू को भाव के अकॉर्डिंग ordered advised suggested or requested etc. और भी इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, में चेंज करेंगे, ठीक है। ये भाव जैसा भाव मिलेगा हमें उसी तरीके से हम इसको सेट टू को चेंज करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कंजंक्शन में टू लगाया था बट यहाँ पर हमें कंजंक्शन टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें कंजंक्शन कौन सा लगाना है, टू लगाना है, और अभी तक हमने ऊपर कंजंक्शन लगाया था दैट, ठीक है। तो लिखेंगे द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तो ये सर से बात कर रहा है स्टूडेंट, तो रिक्वेस्ट ही करेगा, REQUESTED रिक्वेस्टेड, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो है अपने टीचर से रिक्वेस्ट ही करता है, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब टू लगा देंगे, लिखेंगे लेट मी को चेंज करेंगे द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक है तो यहाँ पर लाएंगे हिम, लेट हिम गो। इसके बाद सर की हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर फोर पर, द टीचर सेट टू मॉनिटर लेट द बॉयज कंप्लीट देयर वर्क, इसको हम किस तरह चेंज करेंगे आप ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। तो द टीचर लिखेंगे स्टार्टिंग में, अब सेट टू है, टीचर किससे कर रहा है, मॉनिटर से कर रहा है कि लेट द बॉय कंप्लीट देयर वर्क, यानी कि ऑर्डर से हो रहा है यहां पर, तो हम यहां लिखेंगे ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड मॉनिटर टू Let the boys complete their work, ठीक हुआ। ये सेंटेंस हो गया आपका, the teacher ordered monitor to let the boys complete their work। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, चलिए सेंटेंस लास्ट पर आते हैं, इसको इंडाइट करते हैं, द टीचर सेड मोहित लेट दिस बॉय ट्राई नेक्स्ट, इसको हम किस तरह चेंज करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए आप इन्वर्टेड जो हमारी इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, इसमें एक नया तरीका दिया हुआ है कि आप मोहित नाम दिया हुआ है और ये कोमा लगा हुआ है, तो इस वाले नाम को आप अंदर माने यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में माने, ठीक है। इसको करेंगे द टीचर, अब टीचर मोहित से कर रहा है कि लेट दिस बॉय ट्राई नेक्स्ट,
ऑर्डर दे रहा टीचर यानी कि ठीक है, तो करेंगे ऑर्डर्ड ओ आर डी ई आर ई डी ऑर्डर्ड मोहित एम ओ एच आई टी मोहित आप टू लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कंडीशन दी हुई है टीचर सेड लेट दिस बॉय ट्राई नेक्स्ट मोहित, टीचर नाम ले रहा है बस बच्चे का ध्यान लगे, तो कह तो मोहित से रहा है, बात क्या कर रहा है ये वाली बात कर रहा है, तो नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही ऐड कर लेते हैं। जैसे किसी किसी सेंटेंस में हिज फादर आ जाता है, हिज मदर आ जाता है, हिज ब्रदर आ जाता है, हिज फ्रेंड आ जाता है, वो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो दे देते हैं पार्ट हमें एक, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमारी ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं देते, तो वो ऑब्जेक्ट हमें रिपोर्टिंग वर्ब में करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। अब हमने लेट लिख दिया है, लेट लिख दिया है, जिसको हम चेंज करेंगे दैट में, फिर लिखेंगे बॉय, ठीक है, फिर ट्राई नेक्स्ट। इस तरह स्टूडेंट ये जो आपके सेंटेंस हैं, द टीचर ऑर्डर्ड मोहित टू लेट दैट बॉय ट्राई नेक्स्ट, तो ये आपके इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट इस तरह हमने अपने ये जो हमारी एक्सरसाइज थी आज की, दोनों हमने पहले तो आपको इंपरेटिव के दोनों पार्ट को सही से करा दिया गया है, ठीक है, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेटर से स्टार्ट होते हैं और लेट से स्टार्ट होते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद आए, वीडियो आपको लाइक करें, हमें अपना रिव्यू दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।